हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम एसीपी क्लास में सीखेंगे वाट आर अचे अकाउंटिंग रेसिपी में हम सीखेंगे जिसके लिए इसको भी हम जो है डिप्रीसीशन किस तरह से बनाते हैं कितने मेथड से बनाते हैं और जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेज कितने ग्रुप्स है और कौन कौन से उसके बारे में हम जानेंगे और उसको जो है ये सॉफ्टवेयर में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे आर अशेट जो कंपनी को इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करता है उसको क्या कहते हैं मास्टर यहाँ पर देखिए आप बिल्डिंग है और फर्नीचर जो भी हमें कंपनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो फ्रेंड्स अशेट्स को भी यहाँ पर वो दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है सबसे पहले यहाँ पर एक करंट असेस है जो कि शॉर्ट टर्म असेज कहलाता है लेस देन वन ईयर के लिए रहता है और यहाँ पर नॉन करंट असेज जिसे फिक्स असेज कहते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं लैंड बिल्डिंग फर्नीचर वगैरह बिजनेस के लिए इसकी हमें जरूरत होती है ओके okay, फ्रेंड शॉर्ट टर्म असेज में कैश रहेगा और और इन्वेंट्री ओके फ्रेंड्स और, और यहाँ पर आप फिक्स स्टेट में देख सकते हैं स्टेटमेंट में यहाँ पर फिक्स अस्टेट आपको पता चल जाएगा और यहाँ पर जो है करंट अस्टेट्स कैश शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट डिसबल और इन्वेंट्री है उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर इन चीज़ों को भी जो है क्लासीफाई किया गया है टाइप में क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर अट्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस एक जो है टेंजिबल असेट्स और यहाँ पर देख सकते हैं टेंजिबल अट्स और दूसरा है इन टेंजेबल ओके फ्रेंड्स तो यहाँ पर आप टेंजेबल अस्टेट में देख सकते हैं लैंड बिल्डिंग मशीनरी वगैरह है और यहाँ पर इनटेंजेबल अस्टेट में ट्रेट सीक्रेट पैटेंग बॉपी कॉपीराइट, इस तरह से फ्रेंड्स असेट्स को क्लासिफाई किया गया है तो फ्रेंड्स हमें जो है एसएपी में किस तरह से करना है यहाँ पर देखें हमारा सेट लैंड बिल्डिंग लैंड एंड मशीनरी फर्नीचर वगैरह है लैंड एंड बिल्डिंग में भी जो है लिस्ट वॉल फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हो सकती है और बिल्डिंग ऑफिस और फैक्ट्री के लिए भी हो सकती है और यहाँ पर डिप्रेशन रेट तो इसको किस तरह से बनाना है हम सीखेंगे और इसके स्टेप्स क्या है डेकॉन मेंटेन फिक्सड कॉल असेट अकाउंटिंग यहाँ पर क्या कह रहे हैं डेकॉन हम जो फिक्स असेट का बनाते है, का है. हैं उसको जो है असेट अकाउंटिंग कहा जाता है अकाउंट डिटर्मिनेशन इट डिटर्माइन द एजेस अकाउंट फॉर रिकन्सलेशन पोस्टिंग बिटवीन सी ओ एंड एफ फाइव उसके बाद यहाँ पर स्क्रीन लेआउट इट इज द फील्ड इन द मास्टर रिकॉर्ड विच इज मैंडेटरी सरप्रेस एंड ऑप्शनल इसको हमने पहले पढ़ा फ्रेंड्स फिर स्टेटस वेरिएंट में तो असेस क्लास इट असेस क्लास इट क्लासिफाइड द फिक्स स्टेट अकॉर्डिंग टू लीगल मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट फॉर इच असेस क्लास कंट्रोल पैरामीटर एंड डिफॉल्ट वैल्यू कैन बी डिफाइंड ये बात फ्रेंड ने यहाँ पर है चार्ट ऑफ डिप्रिसिएशन ए ग्रुप ऑफ डिप्रिसिएशन एरिया का चार्ट ऑफ डिप्रिसिएशन उसके बार यहाँ पर है डिप्रेशन की इट एक्सप्लेन इन विच मेथड डिप्रेशन विल बी कैलकुलेट लाइक एस एल एम रिटर्न डन वेलो मेथड इस मेथड के जरिए हमें डिप्रेशन करना है तो उसको क्या कहते हैं डिप्रेशन की तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर स्टेप को देखेंगे बाद में थोड़ा सा हम यहाँ पर देखते हैं सपोज हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड और हमने यहाँ पर रिटर्न डोन वैल्यू मेथड दोनों के लिए टेन परसेंट टेन परसेंट यहाँ पर लिया है हमने फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड नाइनटीन को हमने यहाँ पर असेस परचेस किया और रिटर्न वैल्यू में भी हमने वन लाख का असेस परचेस किया तो टेन परसेंट हम जब इसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं तो उसका एक लाख का टेन थाउजेंड हो गया और रिटर्न वैल्यू में भी उसका टेन थाउजेंड हो गया मगर नेक्स्ट ईयर फ्रेंड्स यहाँ पर अप्रैल ट्वेंटी में इस एक लाख में से हमें टेन थाउजेंड माइनस करने के बाद इसका वैल्यू हो गया डिप्रेशन होने के बाद नाइन्टी थाउजेंड ओके फ्रेंड्स यहाँ पर भी इस वैल्यू को हमने माइनस करने के बाद हो गया नाइन्टी थाउजेंड उसके बाद हम ट्वेंटी वन में देखते हैं नेक्स्ट ईयर तो उसके बाद नाइन्टी थाउजेंड में से हमें रिटर्न स्टेट लैंड मैथड में से जो है टेन थाउजेंड माइनस करेंगे तो यहाँ पर फिर एट्टी थाउजेंड आ गया मगर यहाँ पर रिटर्न लैंड वैल्यू मेथड में देखिए फ्रेंड्स नाइन्टी थाउजेंड में से हमें इस वैल्यू पर टेन परसेंट निकालना होगा तो रिटर्न डन वैल्यू कहता है यहाँ पर फिक्स में एक बार टेन थाउजेंड आ गया बाकी सब पेन थाउजेंड ही रहेगा अगर ट्वेंटी परसेंट लेता है तो ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड ही आएगा यहाँ पर जो वैल्यू आएगी इस वैल्यू पर टेन परसेंट निकालने के बाद इसका वैल्यू एटी वन थाउजेंड हो गया यहाँ पर एटी थाउजेंड हो गया तो इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करते एस ए पी में हम उसको सीखेंगे यहाँ पर स्टेप्स बता रहा हूँ मैं यहाँ पर कॉपी रेफरेंस कॉपी रेफरेंस चार्ज ऑफ डिप्रेसिएशन और डिप्रशियन एरिया इसके लिए टी कोड है ई सी जीरो एट तो मैं यहाँ पर एसपी में लॉगिन होता हूँ तो फ्रेंड मैंने यहाँ पर एस में लॉग हो चुका हूं अब हमें यहाँ पर मैं मेन्यू पात्र के जरिए आपको दिखाता हूँ किस तरह से जाता है या इसका टी कोड भी आप देख सकते हैं ई सी जीरो एट एक बार हम इसको भी यहाँ पर इस करके देखते हैं ई सी जीरो एट एंटर करता हूँ तो फ्रेंड्स हम चार्टअप डिप्रेशन के एरिया में हम आ चुके हैं यहाँ पर विंडोज ओपन हो चुका है मैं एक बार आपको मेन्यू पाथ के जरिए दिखाता हूँ तो यहाँ पर हमें टेप करना होगा एस पी आर ओ उसके बाद एंटर प्रेस एस ए पी रेफरेंस आई एम जी उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू के ऊपर क्लिक करिए उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स उंटिंग ओके फ्रेंड्स उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर उसके बाद यहाँ पर चेक कंट्री स्पेसिफाइड सेटिंग सेटिंग चेक कंट्री स्पेसिफाइड स्पेसिफिक सेटिंग ओके फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्लिक करेंगे Friends. हमें जाना है सॉरी फ्रेंड कॉपी रेफरेंस डिशन इस एग्जीक्यूट बटन पर क्लिक करता हूं मैं और यहाँ पर आने के बाद कॉपी चार्ज ऑफ डिप्रिशिएशन को हम कॉपी करेंगे यहाँ तो पर ऊपर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर कॉपी क्लिक करता हूँ उसके बाद यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है किसको कॉपी करना है तो यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत सारी कंट्रीज़ का यहाँ पर डिप्रिसिएशन चार्ट है हम यहाँ से फाइन में जाएंगे हमें इंडिया का कर सिलेक्ट करना है तो वन आई एन इंडिया का कोड है तो देखिए फ्रेंड्स सैंपल चार्ट फॉर इंडिया उसका हम डबल क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर हमारा कंपनी कोड देंगे आ, चार्ट ऑफ डिप्रेशन हमारा है आर यू के वन क्लिक करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर स्टिक मार्क पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स टू रिलीव वांट टू ट्रांसफर नंबर एंड तो हम यस पर क्लिक कर रहे हैं फ्रेंड्स so, इसको यहां पर हम सेव कर देंगे यहां पर आगे ऑप्शन चार्ट ऑफ डिप्रेशन इन कॉपी टू आर यू के वन ओके तो फ्रेंड्स देखें यहां पर चार्ट ऑफ डिप्रेस आई एन और यहां पर देखें चार्ट ऑफ डिप्रेशन कॉपी टू आर यू के वन ओके फ्रेंड्स उसके बाद हम बैग जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन फ्रेंड्स यहाँ पर देखे स्पेसिफाई डिस्क्रिप्शन ऑफ चार्टिशन हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पोजिशन में जाएंगे हम अपना चार्ट ऑफ डिप्रिशन एंटर करेंगे यहाँ पर जो कि हमारा चार्ट ऑफ डिप्रेशन है र वन स्टिक मार्क पर क्लिक करूंगा मैं तो फ्रेंड्स हमारा चार्ट ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर आ चुका है हम इसको देंगे चार्ट ऑफ डिप्रेशन हुआ हमारी कंपनी आर यू के वन ओके फ्रेंड्स उसके बाद इसको हम सेव कर देंगे उसके तो बाद फ्रेंड हम बैग आएंगे नेक्स्ट यहाँ पर फ्रेंड कॉपी डिलीट डिप्रशिएशन एरियास इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और चार्ट ऑफ डिप्रेशन हमारे पास यहाँ पर है आर यू के वन स्टिक मार्क पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर बुक डिप्रशन डिप्रेशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन दो यहाँ पर है चार्ट ऑफ डिप्रेन एरिया और यहाँ पर वन है और ज़ीरो वन जो है फ्रेंड्स रियल टाइम पोस्टिंग के लिए होता है और ज़ीरो जो है एज पर जो है इनकम टैक्स जब हम इनकम टैक्स फाइल करते हैं तब इसका स्क्वे जाता है तो हम यहाँ पर बुक डिप्रीसी में करेंगे इसका पोस्टिंग तो इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं फ्रेंड्स सेव कर देते हैं तो फ्रेंड्स हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ असाइन इनपुट टैक्स इंडिकेटर फॉर नॉन टैक्सेबल एक्विजिशन जो कि सीट पर जो है टैक्सेबल टैक्स नहीं रहेगा तो नॉन टैक्सेबल उसको भी हमें असाइन करना पड़ेगा तो फ्रेंड यहाँ पर हम देखते हैं ओ बी सी एल कोच की मदद से जा सकते हैं या तो हम मेन्यू पाथ के जरिए भी जाने का आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ की कोच की मदद से हम आसानी से जा सकते हैं फ्रेंड्स मगर आपको मेन्यू पाथ भी मालूम होना चाहिए इससे उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यूज

पोजिशन में जाएंगे अपनी कंपनी यहाँ पर टैप करेंगे आर यू के वन आपकी जो कंपनी होगी आपको यहाँ पर टैप करना होगा एक्चुअल में यहाँ पर इनपुट यहाँ पर देखते हैं हम वी जीरो वी ज़ीरो जो के नॉन टैक्सेबल था यहाँ से निकाल दिया गया है तो हम यहाँ से क्या करते हैं एक हाथ के लिए यहाँ पर क्या कहते हैं फिलऑक के लिए हम वी वन लेते हैं तो कंपनी की तरफ से कुछ हमें अपडेट भी नहीं किया गया क्यों तो ऐसा हुआ है तो यहाँ से वी जीरो को निकाल दिया गया है तो हमने यहाँ पर दोनों को भी सिलेक्ट करेंगे और एक बार यहाँ से इसको हम सेव करके कंटिन्यू कर देते हैं उसके बाद हम बहते हैं फ्रेंड्स और नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो हमें असाइन चार्ट ऑफ डिप्रिशिएशन टू कंपनी कोड वो ये वो भी टी कोड की मदद से हम जाते हैं तो आप यहाँ पर मेनू पॉच के जरिए से भी आप जा सकते हैं वो वो भी ठीक हो जाए एंटर पास करता हूं उसके बाद फ्रेंड हम पोजीशन में जाएंगे एक बार देखते हैं हम वो ये ओ बी ओके उसके बाद कंपनी कोड अपना इंटर करते हैं यहाँ पर टिक मार्क पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर चार्ट ऑफ डिप्रेशन हमारा है आर यू के वन इसके बाद हम इसको यहाँ पर सेव कर देते हैं तो फ्रेंड्स हम इन तीन स्टेप को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है इन तीन स्टेप्स को तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्टेप टू को हम किस तरह से बनाते हैं हम सीखेंगे थैंक फॉर वॉचिंग